नमस्कार सकाळ 9:00 अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुछु एवं शक्ति बुलेटिन को आगे बढ़ेगा किंतु देखा प्रथम कौन रही हेडलाइंस गोटे अगस्त में राज्य बीजेपी टीम सभापति समीर महांती नेतृत्व में 10 जणिया प्रतिनिधि दल कर स्थितर समीक्षा कोटियावासी भावागत संपर्क को सुदृढ़ करने लक्ष्य सेपटे सरकार आभिमुख्य नहीं प्रश्न उठाइले विरोधी दल नेता हिमस्खलन तीन दिन पर भी उत्तराखंड स्वाभाविक होने परिस्थिति वर्तमान सुधा 32 मृतदेह उद्धार एवं 197 निखोज तपोवन टनेल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ग्यारेज में जलीगला 4 बस और गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी भद्रक जहाणी गड़िया छक निकट में अग्निकाण्ड 3 घंटार प्रयास पर निहाक आयत्त कला अग्निशम विभाग निहा लगवार कारण स्पष्ट स्वाभाविक होगी पाठपढ़ा जुटी युक्त 3 द्वितीय वर्ष पिजि प्रथम वर्षर क्लास आरंभ कोविड गाइडलाइन उपर गुरुत्व सेपटे पिलांक पाठ्यक्रम शेष करने अध्यापकों पर चैलेंज भांगामडर केस रे बड़ खुलासा मृत्यु पूर्व पुओ को फोन करते प्रफुल्ल कहते दुर्घटना हेले क्या करनी दायी मरवा आगु षड्र सुराग पाई चर्चा श्रीमंदिर को नहीं भ्रम प्रचार करुले सावधान बैला प्रसंगे चेताइले गृहमंत्री अमित शाह सेपटे पुरी नियम प्रत्याहार लिंगराज में कायम या कहले प्रहलाद पटेल निष्पत्ति को धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीजेपी टीम प्रशंसा बीजेडी नेता पुओ बोहू को नियम नहीं जाजपुर पर भद्रक चरमपर आवास बंटन में महाकाली दुई महला घर थी शासक दल समिति सभ्यों पुओ बोहू को मिली आवास सबु देखी चुप जिला प्रशासन राज्य में एक्टिव हैकर्स गैंग जाई 1.5 कोटी फेरी 7 लक्ष टंका मासकरे 1200 अधिक फ्रॉड कॉल 6 मास रे साइबर ठकों तालिका कर कमिश्नरेट पुलिस आज कोरापुट जिलार विवादय कोटिया अंचल परिदर्शन करेंगे राज्य बीजेपी टीम राज्य सभापति समीर महांती नेतृत्व में विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक समेत 10 जणिया टीम कोटिया अभिमुखे यात्रा करते गस्त पूर्व समीर कहते कोटियावासी ओडिशार भावागत संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करवा गस्तर लक्ष्य राज्य सरकार केउठी पूर्व काहीकि पदक्षेप ने प्रश्न करिसंती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक दिन प्राय गोटाए बेलू बीजेपी टीम कोटिया पहुंचा पर सेठारे स्थानीय लोकों सह आलोचना कर स्थित समीक्षा करेंगे से हीठार ही दल पक्ष एक सांबादिक सम्मेलन कर तो कोटिया गस्तर बाहरी बीजेपी टीम 10 जणिया टीम रे रही राज्य सभापति समीर महांती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक उपसभापति भृगुभक्सी पात्र समेत अनेक वरिष्ठ नेता से कोटिया रे पहुंचे कोटिया को नहीं जो भाई भाव में विवादीय स्थिति सृष्टि होती आंध्र सरकार निर्वाचन करने नहीं कि जनापड़ा पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा किंतु ए विवाद आज नुहे बहु वर्ष धरी आंध्र सरकार सेठी स्थानीय लोक प्रभावित करने उद्यम कर आसुंचते विभिन्न योजना सेठी आधार लोक आंध्र सरकार विभिन्न योजना लागू करवा हो आंध्र अधिकारी माने कोटिया अंचल गस्त करवा हो सेठिकार लोक प्रलोभित करने आंध्र सरकार सब उद्यम कर किंतु राज्य सरकार कोटिया बासिंदा को जो भाई भाव सुविधा जोगेबा कथा से जोगेबारे विफल होती जो कि कोटियावासी आंध्र मुहा हवा स्वाभाविक कथा कारण जितेबले ओडिशा सरकार तरफ सुविधा मिलूना आंध्र सरकार सुविधा कुढ़ौती तो से आंध्र प्रति से समर्थन बढ़िया स्वाभाविक कथा एवं परिस्थिति एभली हला जे आंध्र सेठी पंचायत निर्वाचन करने जितेबले प्रस्तुति कला सेठकार लोक मान उभय स्थान रही भोटर आई कार्ड उभय ओडिशा रही आंध्र रही तो भाई स्थित राज्य सरकार बारंबार विषय जितेबले उठी किंतु से कौन सी एक्टिव हस्तक्षेप करी किभली भाव में कोटियावासी को पुणी थे राज्यर मुख्य स्रोत में सामिल कर आंध्र मुहा हेबे नहीं तो से दिगरे पदक्षेप जो भाई भाव में नवा कथा राज्य सरकार ने जहाँफल कि परिस्थिति एभली हला आंध्र पक्षर से निर्वाचन पाई प्रस्तुति करागला
अधिक अपडेट पाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती है प्रतिनिधि गोपाल पाढ़ी। गोपाल, बीजेपी टीम केते बेले पहुंचिबो कोटिया रे एवं कौन रही सेटाकार सेमानकर कार्यसूची आज निहाती देखु कोटिया कोटिया जेहेतु सामाजिक सम्मिलन भी रखिंट जेहेतु समीर महांती गस्त अच्छी प्रथम लक्ष्मीपुर पहुंचे लक्ष्मीपुर से किसी बीजेपी कर्मी सहित आलोचना करेंगे अंचल कौन सब समस्या अच्छी ताको नहीं संपूर्ण आलोचना करेंगे सका 10टा समय से पहुंचे लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर से सारे सीधा सड़क से पहुंचे कोटिया पहुंचे पट्टांगी अंचल कोटिया पहुंचे कोटिया समस्या जो रही जेहेतु पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी जेहेतु बारंबार राज्य सरकार को जेहेतु सचेतन करेहतु कोटिया गोटे बिवादीय अंचल 1968 मसीह जो बिवादीय अच्छी बिवादीय नहीं कि समस्या समाधान करके ग्राउंड रास्तव चित्र कौन अच्छी ताको साधारण लोक आलोचना करेंगे प्रकृत से जीवन जीविका पेट पाटना जो रही व्यवस्था पहुंचा कथा आज पर्यटन राज्य सरकार जो पहुंचे ना ताको दृष्टि संपूर्ण आलोचना करेंगे आलोचना कला पर जेहतु पुणी निर्वाचन अच्छी 13 तारीख में आंध्र सरकार कर निर्वाचन आटिया पंचायत जेहतु तीन टी गांव को तीन टी पंचायत नामांकन कला सरपंच करने चयन कराकू दृष्टि केमी रख 13 तारीख जमी निर्वाचन भंड करमी लोक आलोचना करेंगे एवं संपूर्ण भाव सूचना दूसरे कि 13 तारीख में निर्वाचन आंध्र प्रदेश योजना करें लोक मैंने सामिल हाँपाई अंटा भिड़ी कोटिया अंचल बासिंदा तो बीजेपी टीम उद्यम रे से लोक बुझासुझा करेंगे किभली भाव में ओडिशा सहित से भावगत संपर्क को जोड़े जो कथा समीर महांती बीजेपी राज्य सभापति सूचना देखते से उद्देश्य बीजेपी टीम सेठाक गस्त करुठाकर प्रकृत स्थित देख कहीं स्थानीय लोक माने आंध्र प्रति सेमानंकर समर्थन बढ़ुची काहेकि सेमाने आंध्रर निर्वाचन रे सामिल हवापाई आग्रह देखाइछंती तार प्रकृत कारण कौन ओडिशा सरकार योजना सेमानंक पाखरे पहुंचुची ना नाही ए सबु स्थितिर समीक्षा करिबा बीजेपी टीम परवर्ती खबर को जीवा उत्तराखंड चमोली में रविवार घटी हिमस्खलन घटना रे वर्तमान सुधा 32 मृतदेह मिली एवं भी 197 जन निखोज अच्छा एनडीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्टर 2.5 किलोमीटर लंबा टनेल भितर 25-35 लोक एवं भी फसी रही टनेल उभयपटू बाट बंद हो जाए उद्धारपाई 600 अधिक सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवान काम लगुचा अचानक आसी बन्या जो प्रभावित गाँव गुड़िक लोकों उधार और खाद्य सामग्री पहुंचाइबा कार्य भी लगी सेना। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ट्वीट कर सेना और आईटीबीपी जवान को कार्य को प्रशंसा कर ग्यारेज रे हुतु हुतु हो जलीगला 4टी बस और गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी भद्रक जिला 16 नंबर जातीय राजपथ डाहाणीगड़िया छक निकट हरिशंकर ग्यारेज रे घटी एभली अग्निकाण्ड निया जलुवा स्थानीय लोके अग्निशम बाहन को खबर देते सूचना पाई अग्निशम बाहन दीर्घ घंटार प्रयास पर निया को आयत्त करथिला सेबडे बस भितर सोइथिबा किछु कर्मचारी निया लागिबा देखि जीवन विकल रे बाहर को दौड़ी पलाई जाइथिले। आज राज्य में कोविड नियम अनुसार खोल युक्त तीन द्वितीय वर्ष एवं पिजि प्रथम वर्ष एने सब कॉलेज और विश्वविद्यालय को निर्देश दि जाए छात्र छात्री मैंने किपर ठीक भाव में हॉस्टल रहिबे मास्क पिंधे हाथ सानिटाइज करेंगे और किभली सामाजिक दूरत्व रक्षा करेंगे से नहीं उच्चशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दि जाए कोविड नियम कड़ाकड़ी पालन करार व्यवस्था कर सूचना देखते उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू। मरणातक आक्रमण में होटेल व्यवसायी मृत्यु राउरकेला डिलक्स होटेल लेन रे जड़े होटेल व्यवसायी मंगलवार आक्रमण करहर जुड़ाशुना बसेरा होटेल मालिक सज्जन मित्तल काम सारी घर को फेरुवा बेले आक्रमण करते दुर्वृत्त पर लोके आहत सज्जन को गुरुतर अवस्था आईजीएच को नहीं जाते आज सका चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु हो प्लांट साइड पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर व्यावसायिक शत्रुतारू आक्रमण कर अनुमान कर।
नवरंगपुर जिले में पुणि जबत हो सबुज जहर कोशागुमड़ा ब्लॉक कोडिंगा थाना अंतर्गत डेंगागुड़ा निकट पुलिस एक कार 50 किलो रु अधिक गंजेई जबत करने सहित जन को गिरफ्त कर गिरफ व्यक्ति जनक हेले कोरापुट जिला पटांगी थाना पंडेई गाँवर इरिया आडकाड़िया पुलिस तांकु गिरफ कर पचराउचरा कर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान में सम्मानित हे दौड़ाणी दूती चांद एने पांच जन खिलाड़ी नोमिनेट होता बेले से रही दूती ना दूती सफलता शुभेच्छा जन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित केन्द्रमंत्री कहते देशर यह महिला खिलाड़ी सफलता आई सम्मान अन्य खिलाड़ी मान प्रेरणा जगैब तेरे दूती चांद सुटर मनु भाकर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल रेसलर विनेश भोगाट और चेस खिलाड़ी कोनेरु हम्पी मध्य मनोनीत होती ए वर्ष होबना खंडगिरी यात्रा कोविड कटकणा मध्ये पालन हेबो परंपरा मात्र यात्रा हेबनी कि कोनोसी प्रकार स्टॉल लागिबो नाही एभली निष्पत्ति नहीं बीएमसी कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति ग्रहण करा विभिन्न यात्रा पार्टी एवं कमिटी सह बारंबार आलोचना पर चलित वर्ष यह मेला को बंद कर देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट लाइक एबे से जो एनएचआरआई एक्सपेंशन होउची एंड जो हिसाब से क्राउडिंग होउची सो जो करंट गाइडलाइन अच्छी कोविड पाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट रा से गाइडलाइन को अडेयर करी करी ये ऑर्गेनाइजेशन संभव ही पारला नाही एंड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को गुड़ाए कमेटी तंकर एक्सेप्ट भी कले नाही एंड केते जने ये भी कहले कि नाही ये साल यदि बंद कर दिया जीवो ताले किसी प्रॉब्लम भी नाही सो टेकिंग ऑल द इनपुट्स एंड जो कोविड गाइडलाइन अच्छी ताकू मने रखी करी ताकू देखी करी आम ए साल निष्पत्ति करीछु कि खंडगिरी मेला को ए साल आम करू ना किंतु ताहा रिलेटेड जितकी रिचुअल्स रिचुअल्स अच्छी से रिचुअल्स जमती एज यूजुअल होता से कमिटी माने करेंगे एंड से पाई कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखी सब रिचुअल कराजिबो एंड आम बीएमसी तरफ रू जो भी तार हेल्प अच्छी से आम फैसिलिटेट कर मंत्रिपरिषद बैठक रे बजेट चिठा प्रस्ताव को मिली अनुमोदन चलित वर्ष बजेट परिमाण 170,000 कोटी टपिवार संभावना रही विधानसभा आसंता 22 तारीख दिन अर्थमंत्री राज्य बजेट उपस्थापन करने को जाऊँ तेणु एथिरे केऊ क्षेत्र को प्राधान्य दिया से विषय में बसी बैठक में विस्तृत आलोचना कर 2020-21 आर्थिक वर्ष बजेट परिमाण 150,000 कोटी टंका थिबा बेले आसंता आर्थिक वर्ष पई एथिरे 10% वृद्धि करा जिबार संभावना रहिछि। लक्ष 70,000 कोटी टपिब राज्य बजेट गत वर्ष तुलन में 10% बढ़ी पारे बजेट रो आकार बजेट रो चिठा प्रस्ताव को मंत्री परिषद बैठक में मिली अनुमोदन जेउथरे चलित आर्थिक वर्ष रे केउ विभाग पाई केते टंका व्ययबराद करा जिवो ओ केउ केउ दिग उपरे गुरुत्व दिया जिवो एवं केउ विभाग रो खर्च काट करा जिवो से विषय रे विस्तृत आलोचना होइछि। तबे ए वर्ष बजेट परिचालना अर्थ विभाग पाई सृष्टि करिछि बड़ चैलेंज पुरी कोणार्क और लिंगराज पाई अर्थर व्ययबराद सह मो सरकार और 5T कार्यक्रम माध्यम रे सरकार को घोषणा परे घोषणा बजेट पाई सृष्टि करि पारे अड़ुआ परिस्थिति निर्वाचन पूर्वरु सरकार घोषणा करितबा विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्राम जथा कालिया मिशन शक्ति विजु स्वास्थ्य कल्याण भली योजना को प्राधान्य देबा सह नुवा योजना आनिबा चैलेंज होई पारे। गत वर्ष सरकार 92,000 कोटी टंका विभिन्न क्षेत्ररु ऋण करितबा बेले चलित वर्ष यह पाखापाखि 1,00,000 कोटी रु ऊर्धरे पहुंचिलानी राज्य सरकार ऋणर परिमाण मुंड पिछा पर 25,000 टंका को छुईछि तेणु बढ़ुवा ऋणभार सरकार साजिपे मुख्य समस्या आशानुरूप भाव राज्यर राजस्व वृद्धि नहवा भी बजेट परिचालना क्षेत्र में सृष्टि विराट समस्या षोड़श विधानसभा आहूत करने
अधिवेशन आहूत करने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री अप्रूव करते पोस्ट फैक्टर अप्रूवल आज कैबिनेट दे 2014-15 2020-21 आर्थिक वर्षर बजेट को तुलना कले राज्य अर्थनीतिर संगीन चित्र सामना को आसुछे कारण एही 7 वर्ष भितरे साधारण बजेट आकार डेढ़ गुणरु अधिक हो जाइछे अर्थात 2014-15 मोट 80,000 कोटी टंकार बजेट प्रस्तुत होता बेले 2020-21 अणा जाइथला 1.5 लाख कोटीर बजेट सेहिपरि एही 7 वर्ष भितरे बजेट्रे केन्द्र सरकार अंश 9% रु अधिक बढ़िता बेले राज्यर अंश 18% ह्रास पाई 2014-15 आर्थिक वर्षर संपूर्ण बजेट्रे राज्यर भाग 41% रही 2020-21 ह्रास पाई 38% पहुंची ऋण परिशोध करवा सागे डेवलपमेंट करवा राज्य सरकार दायित्व ताको टैक्स आपण नॉन टैक्स टैक्स कुआडु कलेक्शन करेंगे सरकार कौन सी व्यवस्था ना योजना ना किंतु निजस्व व्यवस्था पार्टीटा निजे कि ग्रो करू से चिंता कले राज्यर समस्त जनसाधारण सुख स्वच्छंद पारे ना आम आय बढ़ेवा दरकार आय बढ़ेबार बाट आम पाखे थुआ है पूरा पूरी आम पाखे चारिक खेलिक रही बारंबार कही कौर आम अधिक आय कर आय आने लगे पार से 2014-15 आर्थिक वर्ष राज्यर निजस्व आय 33,282 कोटी थे दरमा और पेंशन बाबद को खर्च था 22,016 कोटी जहाँकि राज्य निजस्व आयर 66% आखंतु 2020-21 आर्थिक वर्षर तथ्य राज्यर निजस्व आय 56,000 कोटी थी बेले दरमा और पेंशन आदि खर्च हो जाए प्राय 40,000 कोटी टंका खाली से नुहे मिलता तथ्य अनुसार 2014-15 तुलन में 2020-21 45% बढ़ी राज्यर ऋण भार जहाद्वारा प्रति ओडिया मुंड रही प्राय 25,000 टंकार ऋण बोझ आदि अन्य राज्यगुड़िकशा को तुलना करवा तेज तमिलनाडुर निजस्व आय बजेट्र 52% रही बेले केरल बजेट्र 55% अर्थ केवल निजस्व आयर ही आसुचे सरकार आसला बेलू दरमा दवा कष्टर स्थित थिला सरकारी कर्मचारी को आज से समस्त कथा दूर से फाइनेंस कमिशन रो पेमेंट दवापाई मध्य आमे समर्थ हेचु एवं अन्यान्य क्षेत्र रे व्यापक प्रगति आसीचि एवं कोरोना मुकाबला करिवारे आमे निजस्व अर्थ व्यय सहित केंद्रीय अर्थ को अपेक्षा नकरी मध्य अनेक कथा आमे सेथरे करि पारिचु 2020-21 आर्थिक वर्षर नवेम्बर मास पर्यंत बजेट रो 50% अर्थ खर्च होई पारि नाही तेबे शेष त्रैमासिक सबु विभाग बजेट रो ए बड़का अर्थ को विभिन्न उपाय रे खर्च करिवारे लागितिबारु अनावश्यक भावे सरकारी तहबिल रु टंका खर्च न करिबाकु विभागीय मुख्य को चिट्ठी लिखिछंती अर्थ सचिव तेबे चलित वर्ष पौर निर्वाचन एवं आसंता वर्ष पंचायत निर्वाचन रहितिबारु एहाकु दृष्टि रखि सरकार किछि बड़ घोषणा करिपरंती बोली चर्चा होउछे भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरांक सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज जनसेवा केन्द्र पलटिछे अर्थ शोषण केन्द्र गजपति जिलार मोहना तहसिल अंचल कार्य करुथिबा रथ जनसेवा केन्द्र विरोध में आसी एभली संगीन अभियोग निरीह गरीब लोकों सरलतार सुजोग नहीं किसी जनसेवा केन्द्र सेवा जोगाइबा नाँ मात्राधिक अर्थ शोषण करुथिबा अभियोग होइछि मोहना सरर अवस्थित रथ जनसेवा केन्द्र मालिक लोकों विधवा भत्ता आधार कार्ड भली विभिन्न अत्यावश्यक सरकारी नथिपत्र कराई देबा कही मात्राधिक टंका आदाय करथवा अभियोग करछन्ते स्थानीय लोके एने मोहना तहसील कार्यालय रे कांग्रेस रो चंद्रगिरी जोन सभापति तथा पूर्वतन जिला परिषद सदस्य समेत शताधिक लोक कार्यानुष्ठान दाबी नहीं मोहना तहसील जरिया जिलापा उद्देश्य लिखित अभियोग पत्र प्रदान करछन्ते एबे देखंतु आमर सरकार तरफ आदिवासी नारे तो बहुत विभिन्न प्रकार सुविधा सहयोग दि जाए आधार कार्ड पाई एवं भत्ता पाई मध्य किंतु बर्तमान ये कि जालारी माने अच्छा जहाँ को जालारी बोली कहले अत्युक्ति हेब ना जालारी माने अच्छा निजक गोटे वकिलर परिचय दे निज गोटे बाह्य परिचय दे लोकों ठार आधार कार्ड कराइदे बोली मुंड पिछा 250 रु 300 टाँग नहीं जाऊँच आ भत्ता कराइदे बोली 300 टाँग
300-500 ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଭତ୍ତା କରାଇଦେବାରେ ଆମର ଅଧିକାର ଭିତରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାରେ ଭତ୍ତା କରାଇବା ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ, ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଭତ୍ତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନିରୀହ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାର ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭତ୍ତା କରାଇଦେବା ନାଁରେ 300-500, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଇଦେବା ନାଁରେ 200-300 ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଯାକ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଷମଣି ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଡେଲ୍ଟା ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସର୍ଭେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତା କାମ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ସେବା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ହଁ, ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ସେଇଥିରେ ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା, GPQ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍, ତା'ର 90% ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପରେ ଯେତିକି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେସବୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆସିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଭାଯୋଗ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।